हुकूमत बनने से पहले ही शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में इख्तलाफ, नजम सेठी ने अंदर की खबर दे दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नजम सेठी का कहना था कि मरियम नवाज को सिर्फ पीटीआई से ख्याल नहीं करना पड़ेगा बल्कि शहबाज शरीफ से भी ख्याल करना पड़ेगा। हमें ये बात माननी चाहिए कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के आपस के ताल्लुकात पहले भी इतने ठीक नहीं रहे हैं। नजम सेठी ने कहा कि शहबाज शरीफ की ये ख्वाहिश थी कि अगर मरियम ने कुछ करना भी है तो वफाक में आ जाए और कोई मिनिस्ट्री ले ले। वो तो चाहते थे कि हमजा को पंजाब में रखा जाए, लेकिन नवाज शरीफ ने इंसिस्ट किया कि अगर मैं नहीं हूँ वजीर आजम तो मरियम को वजारत आला दें, और इसके लिए कुछ लोगों को बीच में मनाना भी पड़ा है। नजम सेठी ने मजीद कहा कि अब हमजा शहबाज पंजाब असेंबली में नहीं बैठ सकते, वो एक्स सीएम हैं, और अगर मरियम नवाज सीएम हैं तो हमजा शहबाज का क्या रोल होगा? वो मरियम के सेकंड इन कमांड तो नहीं हो सकते, लेकिन अपने वालिद के सेकंड इन कमांड हो सकते हैं। इसलिए अब हमजा को पंजाब असेंबली की सीट छोड़ने का कहा गया है। जब तक मरियम का फैसला नहीं हुआ था तब तक हमजा ने सीट रखी, अब उन्हें कहा गया पंजाब की सीट छोड़ें और वफाक में आ जाएं। अब वफाक में हमजा शहबाज को अकोमोडेट किया जाएगा।